दुखद है जो हुआ है कासगंज में, और ऐसी घटना कहीं ना हो, लेकिन ये सरकार कानून व्यवस्था पर जितना काम करना चाहिए वो काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार केवल अन्याय की तरफ देख रही है कि अन्याय कैसे कर सके। अगर सरकार वाकई में जागरूक थी कानून व्यवस्था को लेकर के, तो जब पहली घटना हुई थी सहारनपुर में, याद कीजिए, एक आईपीएस की कुर्सी पर बैठ गए थे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, सोचो क्या कार्रवाई हुई होगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अभी कासगंज इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि आरोप हम पे भी लगा देंगे, लेकिन जब माहौल ठीक हो जाए तो मैं जरूर कहूंगा, और मुझे मौका मिला तो मैं खुद गुप्ता परिवार से पहले मिलूंगा। मैं मिलूंगा उन गुप्ता परिवार से। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार क्या वजह है, ये नाराजगी क्यों आ रही है इतनी, क्या कारण था। मैं ये कहता हूं, सरकार जो डंका बजाती थी कि समाजवादियों की सरकार में तो दूसरे तरह की मदद होती है, आप उसकी मदद करें, और एक नौजवान उस परिवार का खोया है, कम से कम 50 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से 26 जनवरी मन जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, और उसी दिन अगर इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार जिम्मेदार है। सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, 325 वाली सरकार है, वो क्यों इस्तीफा दे देंगे।